इस साल दशहरे वाले दिन पूरे देश का ध्यान चंडीगढ़ की तरफ रहेगा, क्योंकि इस साल सिटी ब्यूटीफुल का दशहरा एक नया इतिहास रचने वाला है। वजह है यहाँ होने वाला रावण दहन। देश के सबसे बड़े रावण का दहन इस साल ट्राई सिटी चंडीगढ़ में किया जाएगा। 221 फीट ऊंचा रावण का ये पुतला धनास कॉलोनी के परेड ग्राउंड में तैयार किया जा रहा है। 221 फीट के इस रावण को तैयार करने के लिए लगभग 40 कारीगर जुटे हैं। रावण के हाथ और तलवार की लंबाई ही 55 फीट और भार 2 क्विंटल होगा। प्रदूषण के मद्देनजर इसमें इको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल किया गया है। करीब 2 महीने से तैयार हो रहा रावण का ये पुतला 2 अक्टूबर को बनकर धनास कॉलोनी के परेड ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया है। खास बात यह है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रावण को रिमोट के जरिए दहन किया जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे इस रावण को तैयार करने के लिए 30 लाख रुपए का खर्च आया है। वहीं इससे पहले अंबाला के बराड़ा और पिछले साल पंचकुला में सबसे ऊंचा रावण जलाया गया था, जिसकी ऊंचाई 210 फीट थी, जिसके कारण रावण का ये पुतला 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। और इस साल शहर बदलने के साथ रावण के पुतले की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। इसको देखने के लिए चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। 221 फीट का रावण तजिंदर चौहान और उनकी टीम की तरफ से तैयार किया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर तक धनास के दशहरा ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया है। न्यूज़ डेस्क।